अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग अपने एंड्रॉयड मोबाइल से ये जो पॉपअप एड्स होती हैं इनको कैसे रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों ये पॉपअप एड्स हमें बहुत इरिटेट करती हैं। दोस्तों आज हम इन एड्स को ख़त्म करने का तरीका जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने अपने फ़ोन्स की सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आप लोगों ने नीचे, ये टेक्नो मोबाइल है, इसमें नीचे गूगल का ऑप्शन शो हो रहा है। अगर आपका कोई और मोबाइल है तो आपने यहाँ पे सर्च करना है गूगल। जैसे आप गूगल सर्च करेंगे तो हमारे सामने कितने ही ऑप्शन आ जाएंगे। दोस्तों इन ऑप्शंस में से हमने यहाँ पे गूगल पे क्लिक करना है। जैसे हम गूगल पे क्लिक करेंगे तो एक और पेज हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ हमने एड्स पर क्लिक करना है। एड्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने करना है रीसेट एडवर्टाइजिंग एड्स। यहाँ पे हमने कंफर्म कर देना है। इसके बाद हमने बैक आना है और बैक आने के बाद यहाँ पे हमने सर्च करना है गूगल एक्टिविटी। जैसे हमने ये सर्च किया हमारे सामने ऑप्शन आ गया गूगल एक्टिविटी का, हमने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से हमने एक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद ये जो मैंने डाटा ऑफ किया हुआ था मैं उसे ऑन कर लेता हूँ। अब अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमारे सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। इसमें आने के बाद हमने ये जो थ्री डॉट्स का बार है इस पर क्लिक करना है। इस बार पर क्लिक करने के बाद हमने एक्टिविटी कंट्रोल्स में आना है। एक्टिविटी कंट्रोल्स में आने के बाद हम लोगों ने, पेज ओपन हो रहा है, पेज ओपन हो जाए फिर बताता हूँ। ये पेज ओपन हो चुका है, हमने नीचे आना है। नीचे आने के बाद हमारे सामने यहाँ पे ये देखें ऐड पर्सनलाइजेशन, इसे मैंने ऑफ किया हुआ है। आप लोगों ने, अगर आपके ऑन है तो आप लोगों ने ऑफ कर देना है। ये देखें यहाँ पे हम गो टू ऐड सेटिंग में जाते हैं। ये देखें मैंने ऑफ किया हुआ है। ये देखें एडवांस में भी देख लेते हैं कुछ है, नहीं एडवांस में कुछ नहीं है। ये देखें जब मैंने ऑफ किया हुआ है तो सब नीचे ऑप्शन एड्स के बंद है। दोस्तों हमने बैक आना है। बैक आने के बाद हमने यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन करना है। जैसे ही हमने गूगल क्रोम को ओपन करना है इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे सेटिंग्स में चला जाना है। सेटिंग्स में चले जाने के बाद हमने यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद हमने साइट सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे साइट सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे पॉपअप्स एंड रिडायरेक्ट्स में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद हम लोगों ने इसे बंद कर देना है। क्या करना है, बंद कर देना है। यहाँ पे हमने बैक आना है। यहाँ पे एड्स लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। यहाँ से अपनी ओपन कर देना है। ये अलाउड हो चुकी हैं एड्स, हमने इसे फिर बंद कर देना है। ये देखिए अब एड्स हमें शो नहीं होंगे, एड्स ब्लॉक ऑन सम साइट्स। दोस्तों यही कुछ था, यही आज की वीडियो थी। दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए।